अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसा 50 सेकंड का अमल डिस्कस करेंगे कि इंतहाई कलील वक्त में हम बहुत बड़ा अजर और मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर हर फर्ज नमाज के बाद एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए तो कोई भी ऐसा शख्स जो हर फर्ज नमाज के बाद एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसकी रूह इंतहाई आसानी के साथ बगैर किसी तकलीफ के कब्ज की जाती है और उस शख्स का मुकाम एक ऐसे शख्स का होता है जैसे कोई अंबिया के साथ जहाद करते हुए शहीद हो जाए। सुभान अल्लाह। हर फर्ज नमाज के बाद सिर्फ एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, तकरीबन 50 सेकंड का वक्त दरकार है, एक मिनट का वक्त भी नहीं लगता, तो एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले को हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह ताला शाकिरीन का दिल अता करते हैं, अंबिया का अजर अता करते हैं और सिद्दीकीन का अमल अता करते हैं और ऐसे शख्स पे अल्लाह ताला अपने रहमत के हाथ फैला देते हैं। सुभान अल्लाह। आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और सुनने वालों को, देखने वालों को, आप सबको ये तौफीक अता करे कि हम हर फर्ज नमाज के बाद एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले बन जाए। अस्सलाम वालेकुम।